Hello guys, welcome back to our YouTube channel. We will continue the problem. Today we are going to discuss very important concept, very important problem in your exam point of view. So let us see how to solve the given example. So kya diya hai problem in the following system. If mass 2 kg, the value of stiffness k kitna hai 4000 newton per meter. L ka distance kitna hai 200 mm. And smaller distance 75 mm and find the value of critical damping coefficient CC. Okay, for which the system is critically damped. Critically damped condition kya hai? C is equals to CC. So guys, just you have to write down what is the given things, the given data, given solution. Small m, how much it is? 2 kg, no doubt. The value of k, 4000 newton per meter. Again, what you have to, again what is given, 200 mm small L distance hai, aur A kitna diya hai, 75 mm. Then what you have to find, you have to find the value of critically damped coefficients, or condition kya hai, critically damped condition, C is equals to CC. Ab dekhiye, ye jo example hai, hum log dekhte hai kya diya hai usme. Ab ye jo ye rod hai, ये जो आपका बीम है, ये जो बार है, उसका वन एंड जो है वो प्योर पॉइंट, ठीक है, वन एंड पे प्योर है. देन अनदर एंड पे क्या है, एक बॉब है जिसका मास स्मॉल एम है, ठीक है. अब ये जो स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग और डैम्पर, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो पोजीशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, एक ही डिस्टेंस पे स्प्रिंग और डैम्पर, जिसका कोएफिशिएंट क्या है, स्टिफनेस कितना है, के है स्प्रिंग का, और डैम्पर का कोएफिशिएंट कितना है, सी है, ठीक है. सो स्प्रिंग एंड डैम्पर उसका अबाउट ओ पॉइंट से डिस्टेंस जो है एक ही सेम डिस्टेंस पे है, जो कितना है, ए इज इक्वल टू 75 एम एम. ओके, अबाउट ओ पॉइंट से ये जो बॉब है, जो एल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पे है, 200 एम एम. सो गाइज, व्हाट विल हैपन व्हेन यू डिस्टर्ब द गिवन सिस्टम एट एन एंगल थीटा. अब ये जो बार है, ये जो रॉड है, इसको थीटा इतना एंगुलर डिफ्लेक्शन देंगे तुम्हें, डिस्टर्ब करेंगे ये डायरेक्शन में, तो विच ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस, विच ऑफ द डिफरेंट टॉर्क विच विल एक्ट ऑन दैट सिस्टम. सो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, स्प्रिंग टॉर्क एक्ट होगा. यहाँ पर डैम्पर है तो ऑब्वियसली डैम्पिंग फोर्स लगेगा, डैम्पिंग टॉर्क एक्ट होगा. सो अभी हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं, ठीक है. जस्ट सी एफबीडी, ये आपका एम मास, ठीक है. जब तुम लोग इसको ये डायरेक्शन में थीटा इतना एंगुलर डिफ्लेक्शन देंगे, ये डायरेक्शन में एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा, इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड देन एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कौन से डायरेक्शन में है, थीटा, थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, ए डायरेक्शन में, ठीक है. तो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपका स्प्रिंग है और इधर डैम्पर है, जिसका डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस पे है, कितना है, स्मॉल ए, ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगा. अब जब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये सिस्टम की, बॉडी की, जब ये डायरेक्शन में, तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, वो अपने ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा, मतलब उसके अपवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो आपका फोर्स लगेगा, जो कौन से फोर्सेस लगेंगे, रेजिस्टिव फोर्सेस, जो स्प्रिंग डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, सी एक्स डॉट, ठीक है. अब ये जो एंगल थीटा है और डिस्टेंस ये ओ पॉइंट से ए है, तो इतना आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा, इतना आपको मिल जाएगा. अगर हम लोग एक्स डॉट ए वेलोसिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए थीटा डॉट, इतना मिल जाएगा हमें, ठीक है. अब यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा वाला, स्प्रिंग फोर्स, जो आपका यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, रिएक्टिव फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स, जो कितना है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन, जो डिस्टेंस कितना है, ए थीटा, तो यहाँ पे आपका स्टिफनेस इनटू ए थीटा, इतना बन जाएगा, ठीक है. अब देखिए एक्स डॉट की जगह पे मैं अगर ए थीटा डॉट रखता हूँ, तो आपका सी ए थीटा डॉट, यहाँ पे इतना डैम्पिंग फोर्स एक्ट हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए ये सिस्टम को तुमने ए डायरेक्शन में डिस्टर्ब किए, तो इसके अगेंस्ट में लगेगा एक वाला टॉर्क जो है, कौन सा टॉर्क होता है, वो
कौन सा टॉर्क है, जो वाला इनर्शिया टॉर्क है, जो कितना होता है इनर्शिया टॉर्क, आई थीटा डबल। ओके गाइस, अब ये जो एग्जांपल है यू हैव टू सॉल्व बाय इक्विलिब्रियम मेथड और इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल और डीएलएमबर्ट्स प्रिंसिपल, वी हैव ऑलरेडी सी द सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अंडैम के केस में हम लोग इक्विलिब्रियम पेंडुलम के जो प्रॉब्लम थे वो इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल से या डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है आपका टॉर्शनल है ना, एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा इतना एंगल हो रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट होगा सिस्टम के अंदर। सो नाउ बाय अप्लाइंग द डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल, बाय अप्लाइंग डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल, सो व्हाट इज डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल गाइस, समेशन ऑफ इनर्शिया टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इनर्शिया टॉर्क हमें मालूम है जो कितना आया थीटा डबल डॉट। अब एक्सटर्नल टॉर्क में दो टॉर्क आ गया, जो कौन सा है डैम्पिंग वाला टॉर्क आ जाएगा। अब डैम्पिंग फोर्स कितना है सी ए थीटा डॉट, इतना हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका अबाउट ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, सो डैम्पिंग फोर्स इनटू अबाउट ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज व्हाट डैम्पिंग टॉर्क, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन हियर सी ए थीटा डॉट इनटू ए डिस्टेंस प्लस डैम्पिंग फोर्स कितना फाइंड आउट किए ए के ए थीटा के ए थीटा इनटू इसका अबाउट ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है ए इक्वल्स टू जीरो, ये वाला स्प्रिंग का टॉर्क बन गया, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अब देखिए आई के जगह पे गाइस जो जहाँ पे रॉड या बीम या पेंडुलम की बात आती है तो वहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेते हैं, कितना लेते हैं जो सिंपल पेंडुलम के प्रॉब्लम में हम लोगों ने लिया था एम एल स्क्वायर, ठीक है। ये बॉब का मास कितना है एम है और डिस्टेंस जो लेंगे आप अबाउट ओ पॉइंट से, जो बॉब का यहाँ पे है ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना एल है, उसका स्क्वायर एम एल स्क्वायर, इतना आई आपको लेना है, बस रख दो एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस, या आगे सिंप्लीफाई करो ए इंटू ए ए स्क्वायर बन जाएगा थीटा डॉट प्लस ए इंटू ए ए स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब थ्रू आउट दिस इक्वेशन जस्ट यू हैव टू डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर, दैट व्हाट विल बी गिवन, जस्ट लेट अस सी डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर, सो थीटा डबल डॉट प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट प्लस के ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ओके गाइज, सो गाइज व्हाट यू वांट, वी वांट द वैल्यू ऑफ थीटा थीटा डॉट थीटा डबल डॉट फ्रॉम दैट इक्वेशन, सो हाउ विल गेट। अब ये जो इक्वेशन बना है दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर, व्हाई वी कॉल सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे टू डॉट है, टू टाइम डेरिवेटिव है, सो दैट्स व्हाई द इक्वेशन इट इज कॉल्ड व्हाट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब गाइस हम लोगों ने देखा था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल के केस में हम लोगों ने एक सॉल्यूशन अज्यूम किया था, जो क्या था एक्स इज इक्वल्स टू इनस्ट्रेस्टी। अब यहाँ पे बात आती है टॉर्शनल की, थीटा एंगल है तो टॉर्शनल के केस में एक्स के जगह पे थीटा बन जाएगा, ये सॉल्यूशन आप लोग लेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो बस एक्स एक्स डॉट यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलेगा यहाँ पे एस इरेस टू एस टी, अगेन डबल डॉट कितना मिलेगा ए स्क्वायर इरेस टू एस टी, थीटा डॉट कितना मिलेगा इधर एस इरेस टू एस टी, थीटा डबल डॉट कितना मिलेगा ए स्क्वायर इरेस टू एस टी। बस assume कर लो फिर ये solution, now assuming this solution theta is equals to e raise to st, okay, so theta dot guys आपको कितना मिलेगा taking differentiating with respect to time, so theta double dot again s square बन जाएगा e raise to st, okay, so guys हम लोगों को term मिल गया है theta theta dot theta double dot की, यहाँ पे एक question में रख दो, then see what will you get, so put the value, yes so guys a square e raised to st plus
सी ए स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का टर्म कितना लेंगे, एस ई रेस टू एस टी प्लस के ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब थीटा का वैल्यू रख दो कितना है, ई रेस टू एस टी। सो गाइस आप क्या करेंगे, अब फॉर दिस इक्वेशन यू हैव टू जस्ट डिवाइडेड बाय ई रेस टू एस टी, ये टर्म से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडेड बाय ई रेस टू एस टी व्हाट विल यू गेट, यस यू विल गेट एस स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू एस बचेगा यहाँ पे, इधर क्या बचेगा के स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर एन इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब गाइस ये जो इक्वेशन बना है यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, हैविंग कंसीडरिंग द रूट्स एस वन एस टू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव यू हैव ऑलरेडी। सो सी हाउ द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब कोएफिशिएंट क्या आएगा, स्मॉल ए का कोएफिशिएंट 1 आएगा, बी का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, सी का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, ठीक है। सो लीजिए फिर देखिए, सो कंसीडरिंग दिस रूट एस वन एस टू इज इक्वल टू बी का कोएफिशिएंट सी स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर, इसका क्या है होल स्क्वायर है, माइनस फोर ए सी, ए का कोएफिशिएंट 1, सी का ये वाला टर्म लिख दो 4 टाइम्स के ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर इक्वाइंग टू 0 अपॉन ट्वाइस ए, ए का कोएफिशिएंट 1। सो अब करना क्या है गाइस, ठीक है, अब करेंगे क्या, ये इक्वेशन को सेपरेटली हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 से, ठीक है, सेपरेटली ले लो। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, सो गाइस देख लीजिए एस वन एस टू, सो लेट मी चेक 1 मिनट, यस वी आर गोइंग वेल। सो गाइस अब इसको सेपरेट कर लो, माइनस सी एस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम एल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी, इधर बना लो इसको स्क्वायर है ना, ए रेस टू 4 बन जाएगा एम स्क्वायर एल रेस टू 4, ठीक है, और ये जो 2 है तो इधर ऊपर लेंगे तो इधर 4 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 4 के ए स्क्वायर अपॉन ये जो 2 है ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि वो अंडर रूट में है, ठीक है, हाँ यस बन गया, सेपरेटली हम लोगों ने कर दिया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट मतलब सीसी ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली डैम्पिंग कोएफिशिएंट, सो क्रिटिकली डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या है, सो अंडर रूट में ये वाला टर्म जो आता है दैट मस्ट बी इक्वाइटिंग टू 0, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली डैम्प। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे इस तरह से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली डैम्प, और गिवन सिस्टम क्या है, क्रिटिकली डैम्प है मतलब C इज इक्वल टू सी सी, ये कंडीशन आपको लगाना है। सो लीजिए फिर ये रूट कंसिडर करो, C की जगह पे हम लोग सी सी लेंगे, ए रेस टू 4 अपॉन 4 एम स्क्वायर एल रेस टू 4 माइनस 4, अब देखिए गाइस 4 गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा फिर के स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, यह आएगा आपका ये पूरा टर्म जो है जो आपको लेना है, जो कहाँ से बनता है, द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकली डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ओके, अब इसका रूट निकाल दो, सो रूट निकाल के क्या बचेगा, इधर ए रेस टू 4 सी सी ए रेस टू 4 अपॉन 4 एम स्क्वायर एल रेस टू 4 इज इक्वल्स टू के एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर,
ठीक है, आगे देखिए फिर सिंप्लीफाई करो। एल स्क्वायर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू बचेगा, एल स्क्वायर गया इधर, इधर एल स्क्वायर, इधर बचेगा आपका टू, ठीक है। आई थिंक ये स्क्वायर, ये मास, सो गाइस यहाँ पे ओके, सो सी सी इधर स्क्वायर है, इधर क्या बचेगा, के, ओके ओके, सो फोर एम और एल स्क्वायर। देखिए फिर सी सी इज इक्वल्स टू, अब गाइस देखिए आई थिंक एन एच टू फोर हुआ तो इधर भी सी स्क्वायर होगा ना, सी स्क्वायर करेक्ट, तो यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए आप, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर सी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये फोर एम के एल स्क्वायर, ओके, और डिवाइडेड बाय आपका बन गया एल स्क्वायर, सो देयरफॉर सी सी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से आप लोगों ने टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो क्या बचेगा फिर, यहाँ पे टू बचेगा, ओके, अंडर रूट में ये के एम आ जाएगा, इधर बचेगा आपका एल बाय ए, सो सी सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल अपॉन ए अंडर रूट के बाय एम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, हम लोगों को मिल गए फाइनल आंसर यू विल गेट। सो आपको एल का वैल्यू दिया है वो रख दो, ए का डिस्टेंस ये भी दिया है, के और एम का वैल्यू भी दिया है, सो पुटिंग इन दिस फॉर्मूला सो यू विल गेट एल कितना है 200 और ए डिस्टेंस 75। अब देखिए ये तो यूनिट एसआई यूनिट में है, अगर ये एमएम है तो इसको मीटर में भी लिए तो एमएम है तो कैंसिल होने वाला है 10^-3, ठीक है। अंडर रूट के कितना है 4000 और एम कितना है, एम का वैल्यू 2। सो गाइस अगर ये फाइनल आंसर आप लोग कैलसी में सॉल्व करोगे, ठीक है, जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा 477.03, दैट इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर, 477.03 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, यूनिट नहीं भूलने का कभी। ओके गाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, आई होप दैट यू शुड बी क्लियर ऑल योर क्वेरीज डाउट्स। ओके, एनीबडी हैविंग एनी क्वेरीज, we will resolve, we will solve in doubts clearing sessions. Okay, so we will meet next lectures. Till then, goodbye. Thank you very much.